आइए आज हम आपको एक ऐसी आर्मी के बारे में बताते हैं जिनको आप लोगों ने देखा तो होगा, पर उनके बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। आपको पता है जिस तरह से हमारे पास सैनिक होते हैं जिनको हम आर्मी मैन कहते हैं, वैसे ही इनके पास भी सैनिक होते हैं, बल्कि इनका तो पूरा का पूरा काफिला ही सैनिकमय होता है। और हमारे सैनिकों से इनके सैनिकों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 10 करोड़ के लगभग होती है इनकी तादाद। बाप रे बाप। और इनका नाम होता है आर्मी एंट्स। सैनिक चींटियों से जुड़े रोचक तथ्य। घर में जमीन पर कतार बनाकर चलती चींटी तो आप रोज देखते होंगे। ये इतनी छोटी होती हैं कि कई बार आपके पैरों के नीचे आकर दब के मर भी जाती है बेचारी। ऐसे में चींटियों से डरना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन सैनिक चींटी आर्मी एंट्स, इसके बारे में जानकर, चींटियों के बारे में जो आपकी सोच है, जो आपकी राय है, वो जरूर बदल जाए। दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से हैं सैनिक चींटी। जी हाँ, सैनिक चींटियाँ आर्मी एंट्स को दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में गिना जाता है। ये हमेशा झुंड बना के रहती हैं और मिलकर शिकार करती हैं। आपको कोई भी सैनिक चींटी आर्मी एंट्स अकेली नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये भी एक इंसेक्ट है। इसलिए इसके शरीर के भी 3 हिस्से होते हैं, सिर, छाती और पेट होते हैं। इसके 6 पैर होते हैं और सिर पर 2 एंटीना होते हैं। इनके जबड़े किसी धारदार कैंची से कम नहीं होते, जिनसे ये मोटी चमड़ी वाले जीव को भी काट खाती है। हाँ, सबसे आक्रामक और सक्रिय जीव होती है आर्मी एंट्स, बहुत ही आक्रामक और सक्रिय होती है। ये सीधे अपने शिकार के सिर पर सवार हो जाती है और उन्हें पूरी ताकत के साथ काटना शुरू कर देती है। खास तौर पर इनके शिकार दूसरे कीड़े मकोड़े, छोटे सांप, छोटे जानवर और चिड़ियाएं होते हैं। यदि इंसान इनके रास्ते में आ जाए तो ये उसे भी छोड़ती नहीं है, उस पर भी हमला कर देती है। हाँ, ये अक्सर दूसरी चींटियों और पक्षियों के घोंसलों पर हमला करती हैं, उनके अंडे तक चुरा लेती हैं। घरेलू चींटियों और सैनिक चींटियों में अंतर क्या है, आइए आज हम ये जानते हैं। जो सैनिक चींटियां हैं आर्मी एंट्स और हमारे घर में पाए जाने वाली साधारण चींटियों में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि घर में पाए जाने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं और उसमें उनकी पूरी कॉलोनी बसती है। इस जगह पर वे खाने का सामान इकट्ठा करती हैं, अपने अंडे देने का काम करती हैं। लेकिन जो सैनिक चींटियाँ होती हैं, अब सैनिक चींटियाँ जो होती हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, वो अपना ठिकाना बदलती रहती हैं। वो खानाबदोश होती हैं, वो एक जगह पर कभी नहीं ठहरती। ये लगातार बंजारों की तरह अपना ठिकाना बदलती रहती हैं और खाना इकट्ठा करने के बजाय इनके रास्ते में जो कुछ भी इन्हें मिलता है उसे खाती चली जाती है। लगभग 2 से 5 करोड़ के झुंड में रहती है ये, और 2 से 5 करोड़ के झुंड में ये हमला भी कर देती है। ये आर्मी एंट्स हमेशा विशाल झुंड में अपना सफर तय करती हैं। इनका झुंड इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी तो ये जिंदा जीवों पर भी हमला कर देती है, उन्हें जिंदा खा लेती है। हाँ, अफ्रीका के पाए जाने वाली सैनिक चींटियों को सबसे खतरनाक माना जाता है। इनके एक झुंड में करीब 2 से 5 करोड़ चींटियां होती हैं और कभी कभी तो ये 2 से 10 करोड़ तक हो जाती हैं। सूखे के समय ये और अधिक खतरनाक हो जाती हैं और एक साथ भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। एक साथ झुंड बनाकर सेना के स्पेशल सोल्जर की तरह रहती हैं अनुशासित आर्मी एंट्स। जी हाँ, इनके झुंड सेना की टुकड़ियों की तरह कई हिस्सों में बटे होते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये होती है कि अनुशासन में चलती हैं, अर्थात एक लाइन में चलती। जिस तरह देश के सेना में स्पेशल सोल्जर होते हैं ना, उसी तरह से इनके भी स्पेशल सोल्जर होते हैं, उसी प्रकार चींटियों में भी स्पेशल सोल्जर होते हैं। यही इन चींटियों के सबसे आगे चलते हैं स्पेशल सोल्जर।
इन स्पेशल सोल्जर के सिर बड़े होते हैं, इनके जबड़े भी बहुत मजबूत होते हैं, इनके रास्ते में आने वाली किसी भी जीव को ये छोड़ते नहीं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। और ये रहना कहाँ पसंद करती हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। भाई ये गर्म इलाकों में रहना पसंद करती हैं, हाँ जैसे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में सैनिक चींटियाँ आर्मी एंट्स पाई जाती हैं। ये चींटियाँ गर्म इलाके में रहना पसंद करती हैं। इनकी कई प्रजातियाँ ऐसी भी होती हैं जो भयानक घने जंगलों में रहना पसंद करती हैं। ये हमेशा भारी मात्रा में खाने की तलाश करती रहती हैं और ऐसी जगहों पर इनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी भी हो जाती हैं। चार चरण में होता है इनका जीवन काल पूरा। जी हाँ, चार चरण में सैनिक चींटियाँ जीवन काल में चार चरण करती हैं अपनी को। सबसे पहले ये अंडे के रूप में रहती हैं, जिससे लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है, बदलता है और बाद में वयस्क चींटी बनती है। अंडे से जब लार्वा निकलता है तब इसके आँख और पैर नहीं होते, ये बड़ों द्वारा लाए गए खाने से ही अपना पोषण करते हैं, खाना खाते हैं। साथ ही जब झुंड सफर पर रहता है तब इन लार्वा को झुंड के बाकी सदस्य उठाकर अपने साथ लेकर चलते हैं। इनके अंडे दो तरह के होते हैं, एक मादा सैनिक चींटी का जन्म होता है जिससे, और दूसरे से नर का होता है। सामान्य सैनिक चींटी आर्मी एंट्स के अंडे का आकार 1 मिमी तक होता है, लेकिन रानी के अंडे इससे कई ज़्यादा गुना बड़े होते हैं। मादा आर्मी एंट ही आगे चलकर रानी वर्कर या सोल्जर बनती है। कॉलोनी सिस्टम, इनका कॉलोनी सिस्टम कैसा होता है, ये रहती कैसे है? सैनिक चींटियाँ आर्मी एंट आपसी सहयोग के साथ मिलकर सारे काम करती हैं जो आदमी में नहीं दिखाई देते। ये कभी भी अकेली शिकार पर नहीं जाती, इसलिए इनकी कॉलोनी का सिस्टम भी कुछ अलग होता है। इनके लगातार एक जगह से दूसरे जगह सफर करते रहने के कारण इनके झुंड द्वारा नई नई कॉलोनी बनाई जाती रहती है और पुरानी कॉलोनी वो टूटती रहती है। नई कॉलोनी बनाने के साथ ही नई रानी का चुनाव भी हो जाता है। ऐसे में पुरानी रानी वर्कर्स और सोल्जर के साथ पुरानी कॉलोनी को संभालती है और नई रानी नई कॉलोनी को संभालती है। इनके बीच टकराव जैसी स्थिति कभी भी पैदा नहीं होती, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करती हैं आपस में। चींटियों की कई प्रजातियों में रानी के पंख होते हैं, लेकिन सैनिक चींटी में ऐसा नहीं होता। धरती पर 12 करोड़ वर्ष पहले आई हैं ये, हाँ 12 करोड़ वर्ष पहले। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि चींटियों की करीब 20,000 प्रजातियाँ अभी मौजूद हैं। उनमें से आधी प्रजातियों का ही वर्गीकरण किया जा सका है। पृथ्वी पर चींटियाँ करीब 12 करोड़ वर्ष पहले धरती पर आईं। आज हम उन्हें जिस रूप में देखते हैं उस रूप में वे 6 करोड़ वर्ष पहले ही आ चुकी थी। उसी समय इन चींटियों ने आहार के रूप में फूलों को चुना, फूलों के पौधों को चुना। जी हाँ, चींटियों का समाज कैसा होता है, आइए जानें इस बारे में। चींटियों के समाज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रानी जिसके पंख होते हैं, वर्कर इनके पंख नहीं होते, एवं सोल्जर इनके भी पंख नहीं होते हैं। ये चींटियाँ आमतौर पर लकड़ी की चीज़ों में ही अपना घर बनाती हैं, इसी कारण इनका नाम कारपेंटर भी होता है। हाँ, ये लकड़ी को डंक से चबा जाती हैं, पेड़ों को खोखला कर सकती हैं। इनकी आबादी दुनिया में कुल कीड़ों की 1/3 है आर्मी एंट की। जी हाँ, इस तरह से ये कॉलोनी बनाकर रहती हैं सुसंगठित तरीके से। इनसे हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में सीख सकते हैं। 15 मीटर्स अक्रॉस ड्राइविंग ऑल बिफोर देम। Those who fail to flee are doomed.
Whatever army ants can catch, they consume. The attackers shred their prey so they can carry it back to feed the young. Army ants even overpower the land. They instinctively form bridges that carry the swarm over gaps and gullies. Across these living structures flows a steady stream of corpses. 30,000 a day. But army ants have enemies. Along the swarm's edges, bandits try to pick off stragglers. Paratrachina, or crazy ants, are the anarchists of the forest. Small, but highly organized, they are willing to do anything to grab a meal. Infiltrate, attack, abscond, whatever it takes. Instead of stingers, the crazy ant has spray jets that spew paralyzing venom. It lets the cruel little soldiers take down much larger opponents. Army ants fear their crazy cousins for the chaos they unleash. The bigger insects have to fight for their lives against the anarchist throngs. At first, the crazy ants' venom stuns the army ants. Then the effects wear off, and the army ants regain their strength. They handily escape the tiny pirates and return to the business of the raid. In a week, an army ant colony kills and eats 250,000 creatures. Ravaging the landscape, army ants shred its sense of order. In another kingdom, the ruler maintains control by any means necessary, even torture. The empress can afford to be gracious. She has enforcers to do her dirty work. Relentless surveillance and oppression of any who deviate from the rules. In the kingdom of Mellifera, order is the order of the day. Every day. Mellifera, European honeybees, seem to lead a sweet existence, gathering pollen and turning it into gold. But beneath this bright image lies a dark reality. The colony exists to serve the queen, who lays the eggs that become the workers, who maintain the hive, and the warriors who defend it. Below the queen ranks the colony's young, its future. She who must be served and those who must survive dominate the hive's existence. But if something didn't keep the hive's inhabitants in line, bee society would fall apart.
every female has it in her to lay eggs, to be a queen. But the colony can have only one ruler. So, it has a police force to ensure that fact. Enforcer bees patrol constantly, checking cells, tracing the lineage of suspect eggs, making sure the guard bees stay on their fuzzy toes. Revolutionaries. And in the hive, it takes very little to cross that line. All a rebellious female needs to do is lay an egg. By the regulations of the mellifera police state, that's a crime. One bee is breaking the law. She deposits an egg in what she hopes is safety. If they thought they could get away with it, half the bees here would do the same. And the hive would fall into disarray. That's why police bees make their rounds, searching for evidence of insurrection. And they find it. For them, an outlaw egg contains the seeds of a colony's destruction. And so, it must be destroyed. And to drive the lesson home, they brutalize the offender, keeping the hive safe and the queen's position secure. The natural order demands surrender. But in other realms, something far worse awaits. In the imperial domain, it is not enough to rule. Others also must serve. By abduction and terror, the empire assures itself of slaves. Warriors to do what they do best, kill and plunder. A scout. In an instant, they're off. 1,500 to 2,000 ants flowing across the terrain with a single purpose. Seals unleash hell. They kill, but only when need be. Decimating a colony. When the stolen formica hatch, they will believe the polyergus nest is where they belong. Another generation of formica will become slaves. At the wrecked formica nest, the queen roams amid the ruins, her offspring abducted and enslaved. She has been spared. But in other realms, innocents suffer unspeakable horrors. Some kingdoms steal youngsters to enslave them. Others take no prisoners, slaughtering the defenseless to feed their own young. Winged horror has a name. Mandarinia, the giant hornet.
reach extends across Japan. Their empire reigns in dark, secluded places. These hornets are at the peak of their powers. Their queen is vigorous. Her workers are strong. Her fighters are many. Her brood chambers are full to bursting. Everywhere, mouths to feed. Larvae signal their relentless hunger by scratching at the walls of their cells. The grating drives the adult hornets into action. They have to feed the babies, and hornet babies live on flesh, ground into meatballs, and delivered by their caregivers. The larvae must feed constantly. So a single scout takes wing, ranging far afield to find fresh meat. At nearly 8 centimeters long, giant hornets are superb killers. Sharp talons seize prey. Powerful jaws sever limbs and decapitate victims. Compound eyes detect the slightest movement. And this scout has found a fat, defenseless target. A hive full of mellifera, European honeybees. The scout marks it with pheromones. Bees aren't native to Japan. They arrived during the last century, imported because they produce more honey and are less combative. Because the alien bees didn't evolve with the giant hornets, they have no way to fight an attack. Out a hive of 30,000 bees.
killer hornets have reduced the defenders to a carpet of the dying and the dead. Now, they can rob at their leisure, sometimes for days. This bee colony is doomed. The victims left to rot. The raiders gorge on honey, even licking it from carcasses. The unborn bees will be chewed into protein paste and fed to the hornet young. For every empire that seems invincible, there is an opponent able and ready to exploit an unexpected weakness. Empires attack, but they also must defend themselves. No matter how strong the fortress, the best defense is knowing your enemy. These bees have learned that lesson. For eons, they have thrived in the giant hornet's deadly shadow. The bees of Sarana know the giant hornets send scouts to find their hives. To survive, these Japanese honeybees must capture and kill the hornet scout. And to do that, they have a secret weapon. Enemy at the gate, the soldier bees pull back slightly. Their waggling signals a sneak attack. They're enticing the hornet to enter their hive. When she takes a few sacrificial targets, the bees attack. In a horde, the defenders rush the hornet scout, enveloping her in a wave of bee bodies. But they don't sting. Instead, the bees crowd belly to belly against the invading beast. Vibrating their abdomens, they create a ball of heat that clasps the hornet at its livid core. It's a battle with narrow margins. The bees can stand temperatures up to 50 degrees. The hornet can only survive to 46. The temperature of the core, 47 degrees. For 20 minutes, the squirming orb presses onto its prey. Bees die. Others step up. If a scout escapes, all is lost. Finally, the flailing and gnashing cease. This hornet won't reveal the secret of their hive's location. The bees have paid a price, but they've saved their home. Another kingdom fends off invaders with strong walls and a martyr's devotion.
In the land of Macrotermes, jousting for territory and resources never relents. An imposing citadel harbors a colony of African termites. Inside, a labyrinth of narrow passageways and bulkheads designed to thwart invaders. The termites are watchful, lest their citadel fall. But kingdoms' fates often are decided at their borders. A remote outpost can be all that stands between survival and the empire's collapse. Outside the protective walls, foragers collect and transfer food back to the queen and her charges. They also watch for invaders. A Matabele scout appears. With their heads, termites send a subterranean alarm that ripples through the outpost. At the edge of the compound, a platoon of defenders occupies a fallen branch. These soldier termites are strong and agile, prepared to give the last full measure. Few of their kind grow this large and strong. Their jaws can cut through human flesh. The encounter begins by ones and by twos. A raider infiltrates. A sentry patrols. One death, and the battle is joined. The ants stream forward, attacking with no mercy. Using their mandibles, the termites attempt a defense. It's no use. Some seek shelter, but there's nowhere to hide. Even the formidable termite guards are no match for the raiders' venomous stings, which destroy the termites' nervous system. It's more feast than fight, as ants sting and slash the defenders to pieces. But the warriors who fall here do not die in vain. They stand against the Matabele tide, while their comrades in the galleries organize a last-ditch defense. To start their quest, young queens join a slave raid. En route, they mate and shed their wings, a sign that they now bear the seeds of empire. One queen has picked her target. She approaches the Formica nest, ready to seize power. But before this killer queen can attack, she must evade her quarry's protectors. She releases a pheromone. Like a chemical spell, the scent neutralizes and repels the Formica defenders. The colony's heart is where the queen is, and the interloper means to pierce that heart. She's fixed on her mission,
assassinate the queen and take her place. The pretender's sickle-shaped mandibles have one brutal purpose. When she confronts her rival, there's no hesitation. She savages her prey. Not to eat her, but to steal her identity. Attendants try to pull the wounded queen to safety, but the murderess will not allow it. She laps up her victim's blood and rolls in her spilled fluids, thoroughly absorbing the monarch's essence. After 20 violent minutes, the Formican queen is left to die. Heaviest weapon is their jaws, able to rip opponents to shreds. A raiding force can consist of 600 ants. The battlements, ripping open mud galleries, probing for cracks in the wood. Now, the smallest Matabele attack. These tunnel rats make relentless forays into the termite sanctuary. Heavier troops, some more than 2.5 centimeters long, line up for the grisly harvest. It's the devil's buffet. All you can kill, all you can carry. One raid might claim 4,000 victims. When the Matabele have all the dead termites they can manage, they head home. In a single day, a Matabele colony might send out 3 or 4 such forces. Powerful predators are twice the termite size. With the colony's hunger driving her, a Matabele scout searches for a target. Termites know that shadow and what it means. War is coming. Soon. They can do nothing as the scout marks the time. Soon.
Soon, the big ants will move their base to richer hunting grounds. But today, their young will feast like kings, fattened on the spoils of war. Violence is the imperial tool, wielded in many ways. Sometimes to disrupt, sometimes to control. A queen can seize power with the victory of each individual soldier. Or by overwhelming force. Some empires grow so large, target and a path to their home. The scout returns to the main force to recruit a raiding party from among her sisters at an abandoned termite mound the Matabili have commandeered. With a jolt of pheromones, the chemical message travels among the warriors. It's a perfect time to attack, early in the day, before the heat rises. Matabili move out with the ominous, deliberate pace of a Roman legion. Like legionaries, the ants wear armor. Their exoskeletons can withstand all but the harshest blows.